मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब, अखबारों की सुर्खियों के साथ हम हाजिर हैं। रोजनामा आख मशरिक दिल्ली, कोलकाता, रांची, लखनऊ, भोपाल और कश्मीर ने अमित शाह का एक बार फिर NRC के नफाज का इशारा, इख्तदार में आए तो शहरियत तरमीमी एक्ट को नाफिज करेंगे, इसे पहली खबर बनाकर शाया किया है। वहीं दूसरी खबर गंगा के बहते पानी से कोरोना फैलने का खतरा, इसे एक कॉलम की खबर बनाकर शाया किया है। लेकिन आपके लिए इस छोटी सी खबर को तफसील से सुनना ज़रूरी है, आखिर इस खबर की हकीकत क्या है। दरअसल उत्तराखंड के वजीर आला तीरथ सिंह रावत ने अपने एक बयान में कहा था कि महाकुंभ मेला से कोरोना इन्फेक्शन का फैलाव नहीं होगा, क्योंकि इस मेला पर गंगा माँ का आशीर्वाद है और गंगा बहता हुआ पानी कोरोना वायरस को ख़त्म कर देगा। लेकिन अब महाकुंभ मेला ने साइंसदानों की फिक्र बढ़ा दी है और ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि गंगा का बहता पानी ज़मीन और हवा के मुकाबले ज़्यादा तेज़ से कोरोना इन्फेक्शन को फैलाने में मददगार साबित हो सकता है। लिहाजा साइंसदानों ने रिसर्च शुरू कर दी है। अगर उनका अंदेशा सही साबित हुआ तो महाकुंभ का मेला मौत का मेला बनकर सामने आएगा, क्योंकि हरिद्वार कुंभ के मेले में 49,31,343 संतों और श्रद्धालु ने शाही स्नान कर डुबकी लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस दिल्ली ने बंगाल में पांचवी मरहले की पोलिंग, आज 45 सीटों पर होगी वोटिंग, 319 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत EVM मशीन में बंद होगी को पहली खबर बनाया है। अब बंगाल के इंतखाबी शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। कोरोना के कहर को देखते हुए बकिया तीन मरहले की पोलिंग को एक दिन में कराने की सियासी जमातों की तजवीज़ को इलेक्शन कमीशन ने कबूल नहीं किया, इसे एंकर स्टोरी बनाकर नुमाया तौर से शाया किया है। मुंबई उर्दू टाइम्स ने महाराष्ट्र में पहले की तरह सख्त लॉकडाउन, नायब वजीर आला अजीत पवार का आवाम को इंतबाह, हर MLA के फंड से 1 करोड़ रुपये कोरोना से बचाव के लिए जाएंगे, इसे पहले खबर बनाकर शाया किया है। जबकि कुंभ के दौरान दो अखाड़े आपस में दस्तों गरीबा, एक दूसरे पे कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम, अब तक 180 अफराद की मौत हो चुकी है, इसे दूसरी खबर बनाकर शाया किया है। रोजनामा पिंदा पटना ने कोरोना के मामले महाराष्ट्र सैर फ्री, इससे पहले खबर कोरोना ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, इसे दूसरी और इंतखाबी प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं होगी, सियासी पार्टियों को कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करना लाजमी होगा, इलेक्शन कमीशन इसे तीसरी खबर बनाकर शाया किया है। रोजनामा आग, लखनऊ ने UP में आज शब 35 घंटे का कर्फ्यू, बेकाबू कोरोना पर कंट्रोल के लिए रियासती हुकूमत का बड़ा कदम, आज रात 8 बजे से दोशंबर की रात सुबह 7 बजे तक हफ्तावार कर्फ्यू 15 मई तक जारी, इसे पहली खबर और एंकर स्टोरी बनाकर शाया किया है। अब तक लेते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।